नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कौन बनेगा सांसद में। आज औरंगाबाद सीट की बात करेंगे। औरंगाबाद सीट से 2019 में कौन बनेगा सांसद। सबसे पहले हम जानेंगे औरंगाबाद सीट के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, औरंगाबाद की सबसे खास बात यह है कि औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। 1952 के पहले चुनाव से अब तक यहाँ सिर्फ राजपूत उम्मीदवार ही चुनाव जीते हैं। सबसे बड़ी बात औरंगाबाद सीट की ये है। अब बात करते हैं राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह औरंगाबाद से आते हैं। उनके परिवार का औरंगाबाद लोकसभा सीट पर दबदबा माना जाता है। निखिल कुमार और उनकी पत्नी श्यामा सिंह भी कांग्रेस की ओर से यहां से सांसद चुने गए। निखिल कुमार राज्यपाल भी बने। औरंगाबाद दक्षिणी बिहार में जीटी रोड पर स्थित जिला है और मगध संस्कृति का केंद्र माना जाता है। इस शहर का नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। औरंगाबाद बिहार की राजधानी पटना से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख बोली मगही है। औरंगाबाद देव सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। वहाँ लोग छठ करने के लिए पूरे राज्य से जाते हैं। बात करेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि की। औरंगाबाद संसदीय सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह और उनके परिवार का इस सीट पर दबदबा माना जाता है। आजादी के बाद 1952 के पहले चुनाव में यहां से सत्येंद्र नारायण सिंह जीतकर लोकसभा पहुंचे। उन्होंने इस सीट से 7 बार लोकसभा चुनाव जीता। उनके परिवार से 1999 में कांग्रेस की श्यामा सिंह, फिर 2004 में निखिल कुमार जीते। 3 चुनावों में ये सीट जनता दल के हाथ में गई। 1998 में समता पार्टी के सुशील कुमार सिंह इस सीट से जीतने में कामयाब रहे। 2009 के चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने जेडीयू और 2014 में बीजेपी के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की। औरंगाबाद महान मगध साम्राज्य का केंद्र रहा है। बिंबिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासकों ने यहाँ राज किया। मध्यकाल में शेरशाह सूरी के काल में रोहतास सरकार के नाम से इस इलाके का सामरिक महत्व फिर से स्थापित हुआ। मुगल शासन में यहाँ अफगान शासक टोडरमल के कारण अफगान संस्कृति का भी प्रभाव अभी भी देखा जाता है। आद्री समेत कई नदियां पानी से सिंचित ये इलाका काफी उर्वर इलाका माना जाता है। धान गेहूं यहाँ प्रमुखता से उगाया जाता है। 25 लाख की आबादी वाले औरंगाबाद में औसत साक्षरता दर 70.32% है। औरंगाबाद सीट की समीकरण के बारे में हम जानते हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 13,76,323 है, जिनमें से पुरुष मतदाता 7,38,617 और महिला मतदाता 6,37,706 है। विधानसभा सीटों की बात करें तो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती है। कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुवा, इमामगंज और टिकारी। इनमें से 2 सीटें कुटुम्बा और इमामगंज रिजर्व सीट है। 2015 के विधानसभा चुनावों में इन 6 सीटों में से 2 कांग्रेस, 2 जेडीयू, 1 बीजेपी और 1 सीट हम के खाते में गई। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से विधायक चुने गए 2015 में। अभी वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन के तरफ से। 2014 चुनाव की जनादेश की बात करें तो 16वीं लोकसभा के लिए 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के सुशील कुमार सिंह जीते थे। वे जेडीयू से बीजेपी में आए थे। सुशील कुमार सिंह को 3,79,041 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के निखिल कुमार को हराया। निखिल कुमार को 2,41,594 वोट मिले। जेडीयू के बागी कुमार वर्मा 1,36,137 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वहीं महागठबंधन से हम के उपेंद्र प्रसाद सहित 9 लोग इस बार चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन से हम के उपेंद्र प्रसाद और सुशील कुमार सिंह
जो कि एनडीए के प्रत्याशी है, इन दोनों लोग को लेकर के इस बार 9 लोग चुनावी मैदान में हैं। और फिर हम बात करेंगे कि 2014 के अपेक्षा इस बार वहां की क्या स्थिति होगी और 2019 में कौन बनेगा वहां से सांसद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।